हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लाई हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी ओकेशन पे क्रिएट कर सकते हो, सामने ईद आ रही पे भी क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वेट एंड वेयर की पैलेट में से मैं इस लाइट ब्राउन शेड को एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो वाला वीडियो शूट नहीं हुआ है, उसके लिए सॉरी। सो उसके बाद मैं वेट एंड वेयर की रेड लिपस्टिक को लेकर के डायरेक्ट मैं अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इनर वी पे लिपस्टिक को अप्लाई किया है, उसके बाद आउटर वी पे फोकस करते हुए वी शेप में मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं एक हेलो आईज क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से, इसीलिए लिपस्टिक को अप्लाई किया है। उसके बाद स्मॉल एक स्मार्जर ब्रश को लेकर के मैं अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी हर्श लाइन ना दिखे इसलिए, और लिपस्टिक है सो इसलिए पहले आप एक आई पे लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, उसके बाद दूसरे आई पे यूज़ कीजिए लिपस्टिक को, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, जल्दी से ड्राई हो जाती है। सो उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की ये लूज पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 6। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइब्रेंट पिगमेंट है, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। सो मैं अपने आई लिड पे मिडिल पे इस शिमर को अप्लाई किया है। उसके बाद एक फ्लैट फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर के मैं अपनी क्रीज को थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेबल रखे इसीलिए मैं थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेम वेट एंड वेयर की पैलेट में से मैरूनिश शेड को पिक करके मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है। सो उसके बाद मैं एक अमेजिंग फ्लावर की ब्लैक जेल काजल को अप्लाई कर रही हूँ एज अ विंग आईलाइनर। सो फ्रेंड्स, विंग आईलाइनर को मैंने ड्रॉ किया है, ज़्यादा बड़ी विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके से ग्लिटर आई मेकअप करो, सो सबसे पहले आप अपनी आई मेकअप कर लो, उसके बाद ही आप बेस को करो, इससे आपकी बेस अच्छी रहेगी, कोई भी फॉल आउट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं NYBA की प्राइमर अप्लाई किया है, आप कोई भी प्राइमर, अफोर्डेबल प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं ये पॉन्स बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। सो ये मुझे ये आपको ज़्यादा अच्छी कवरेज तो नहीं देगी, लेकिन गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम है। सो गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी मेकअप है। सो मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करने के बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बट फ्रेंड्स, ये ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा है कि मेरे मेकअप को जैसे खा रही थी, पूरा मेकअप को एकदम से सोक कर रही थी, और बीबी क्रीम को मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ा। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लोकल मार्केट से लिया था। सो लोकल मार्केट की भी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी होती है, लेकिन ये ब्यूटी ब्लेंडर आई डोंट नो क्यों ऐसी हो रही थी मेरे साथ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये है मेरा फेवरेट कंसीलर, स्विस ब्यूटी की कंसीलर, बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, और इसका शेड है 03। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसीलर है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी कवरेज भी देती है। सो आप जब भी कुछ इस तरीके के मेकअप कीजिएगा तो फ्रेंड्स, ये कंसीलर आपको बहुत ही अच्छी कवरेज देगी। आप ज़्यादा लाइट मेकअप भी आपको हो जाएगी और थोड़ी बहुत कवरेज भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद पूरे बेस को सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करना है। सो मैं शुगर की ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट है फ्रेंड्स, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएगी। माय शेड इज़ 2। उसके बाद मैं वेट एंड वेयर की पैलेट में से मैं इस ब्राउनिश ब्रॉन्जर शेड को लेकर के मैं अपनी फेस को ब्रॉन्जअप कर रही हूँ। मैं अपनी चीक को पहले कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, और थोड़ी शार्प कॉन्टोरिंग करूँगी आज मैं। उसके बाद मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो सेम ब्रश के हेल्प से मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टोरिंग कर लूँगी, और लिटिल बिट मैं अपनी जॉ लाइन को भी। उसके बाद मेकअप रिवोल्यूशन ब्लश पैलेट में से मैं एक पिंक कलर की ब्लश को पिक करके मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक पर ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ी ज़्यादा ही मेरी ब्लश दिख रही होगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लश को अप्लाई कर लिया है, बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लश को ठीक कर लूँगी।
उसके बाद हाइलाइटर के लिए आज मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन की मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड मोल्टन गोल्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक गोल्डन कलर की हाइलाइटर है और ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक गोल्डन ग्लो प्रोवाइड करेगी। आप किसी शादी या वोकेशन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक गोल्डन कलर के हाइलाइटर बाय करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप ये मेबलिन के हाइलाइटर बाय करो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं अपनी नोज को भी हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद वेट एंड वेल्ड की पैलेट में से मैं इस मरूनिश शेड को एक फ्लैट शेडर ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से पिक करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ी सी स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। इससे आपके आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी इस तरीके से आप अपने आई मेकअप करते हो तो। उसके बाद मैं मेबलिन की काजल यूज़ करी हूँ मैं अपनी लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी काजल है फ्रेंड्स। ये स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल है। सो काजल को मैं थोड़ी सी थिक अप्लाई करूँगी लोअर वाटर लाइन से थोड़ी सी नीचे मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद फॉल्सीज अप्लाई करने से पहले मैं अपने आईलैश कलर की हेल्प से अच्छे से लैसेस को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मेबलिन के काजल सॉरी मेबलिन की मस्कारा की हेल्प से मैं अपनी लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी कोट करूँगी। और ये मस्कारा वाटर प्रूफ है स्मच प्रूफ है बहुत ही अच्छी मस्कारा है फ्रेंड्स। अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी वाटर प्रूफ मस्कारा मिल जाती है। उसके बाद आई की इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं मेबलिन की मास्टर क्रोम हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं अपने आई की इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी और लिटिल बिट मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं सेम लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो लिपस्टिक मैं अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया था। ये है वेट एंड वेल्ड की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड मिसी एंड फ्रिसी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग रेड लिक्विड लिपस्टिक है। सो फ्रेंड्स आप अगर अपनी शादी के लिए एक ब्यूटीफुल सा रेड शेड ढूंढ रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप ये लिक्विड लिपस्टिक बाय करो। बहुत ही अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। उसके बाद पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वेल्ड की मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको मेरी ये वाला मेकअप लुक पसंद आई होगी। आपको अगर ये मेकअप लुक पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको मेरी मेकअप लुक कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि जब भी कोई मेरी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो बाय गाइस लव यू ऑल थैंक यू।